पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी पर पुस्तक का विमोचन भी होने वाला है। तो देश भर में ये किसान संवाद कार्यक्रम और साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित ये पुस्तक, जिसका विमोचन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस पुस्तक में आपको बता दें, वाजपेयी की कुछ दुर्लभ तस्वीरें मौजूद रहेंगी, उनके जो बहुत ओजस्वी और प्रेरक कविताएं रही हैं, भाषण रहे हैं, वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। तो इस पुस्तक का विमोचन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वहीं किसान संवाद जो कार्यक्रम है, जो कि 19,000 शहरों में ये अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिसमें किसानों को कृषि कानूनों के बारे में जानकारी दी जाएगी, उसके जो फायदे होने वाले हैं वो समझाने की कोशिश की जाएगी। और ये पुस्तक का विमोचन आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस है, उनकी जयंती है, और इस खास मौके को और यादगार बनाया जा रहा है। उनके जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कुछ ही देर में यह विमोचन होने वाला है। पेश कर रहा हूं, ये सभा देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थिति, आर्थिक स्थिति, आधारभूत ढांचे की स्थिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों और क्षमता तथा मानव विकास की स्थिति पर विचार करती है। अध्यक्ष महोदय, आपने स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती उत्सव के दौरान इस विशेष अधिवेशन का आयोजन किया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। ये अधिवेशन उन्मुक्त वातावरण में हो रहा है, न प्रश्नकाल है, न शून्यकाल है। प्रश्नकाल न होने से मंत्री स्वतंत्र हैं, सदन में रहना उनके लिए आवश्यक नहीं है। शून्यकाल शून्य में विलीन होने के कारण हमारे मीडिया के मित्र ये भरोसा कर सकते हैं कि आज कोई हाथापाई की नौबत आने वाली नहीं है। न सभा के पटल पर कागज पत्रों को लिटाने का सवाल है, और न नियम 377 के अधीन अपनी व्यथा कथा कहने की गुंजाइश है। लेकिन मैंने एक प्रस्ताव पेश किया है जो सब विषयों का समावेश करता है। मैं सोच रहा था कि कहां से आरंभ करूं और कहां से अंत करूं, लेकिन आपके भाषण ने इसकी भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है। भाषण बहुत सुनार गर्भित था, विस्तृत था, शायद ही राष्ट्र जीवन का कोई प्रश्न, कोई पहलू उससे छूटा हो। मैं नहीं जानता एक सदस्य के नाते मैं आपके भाषण पर टिप्पणी कर सकता हूं या नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके इस आह्वान का स्वागत करता हूं, अनुमोदन करता हूं कि देश को। ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी और गणमान्य अतिथिगण आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि वे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संसद में दिए गए उद्बोधनों पर आधारित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट अ कॉमेमोरेटिव वॉल्यूम का विमोचन करें।
तो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित ये पुस्तक जिसका विमोचन कर दिया गया है, बहुत ही खास मौका, क्योंकि जिस तरह का सरल, अटल, प्रभावशाली व्यक्तित्व था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का, और उनके वो ओजस्वी भाषण, उनकी वो प्रेरक कविताएं जो हर किसी के दिल को छू जाती हैं, और विरोधियों को भी वो पटकनी देते थे तो उसका अंदाज भी बहुत ही निराला होता था। उनके जो भाषण थे जो कि संसद में दिए गए, वो आज भी याद किए जाते हैं, क्योंकि जो भाषण उनके होते थे वो सियासत से कहीं ऊपर उठकर उनके वो अनमोल विचार, जिनको आत्मसात करने की ज़रूरत है आज की पीढ़ी के नौजवान नेताओं को, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.